स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन एट योर होम्स एंड डूइंग वेल. ओपन द बुक ऑफ इंग्लिश, पेज नंबर 74. हमने स्टडी कर लिया था, नाउ वी आर सिक्स पोइम, इसकी ट्रांसलेशन. ठीक है, अभी हमने जो है इसकी एक्सरसाइज करनी है. एक्सरसाइज में हमारे पास सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द पोइम. हमने पोइम से आंसर्स करने हैं इन क्वेश्चंस के. देखना, पूरी पोइम के अंदर से ही हमने सारे इनके आंसर कर देने हैं. ठीक है, अगर आपने पोइम को अच्छे तरीके से रीडिंग की है तो ये देखना अभी आपके आंसर सबके हो जाएंगे. व्हेन डिड द स्पीकर जस्ट बिगिन, कब उसने अभी जस्ट बिगिन कब हुआ था उसका, अभी शुरुआत उसने अभी स्टार्टअप कब हुआ था उसका. तो यहाँ पर लिखा है कि व्हेन आई वाज वन आई हैड जस्ट बिगिन, मैं अभी अभी स्टार्ट किया है मैंने जीना. यहाँ पर तो ये इसका आंसर है व्हेन ही वाज वन, इसका आंसर बस इतना ही आपने लिखना है. ठीक है, आपने अपनी नोटबुक्स भी साथ रख लेनी है और नोटबुक्स के ऊपर आपने ये सॉल्व करना है. ठीक है, व्हेन डिड द स्पीकर बिकम नियरली न्यू, नियरली न्यू कब हुआ था, अभी अभी वो नया नया कब आया था, जब वो 2 ईयर्स का हो गया था. व्हेन आई वाज 2, ठीक है, व्हेन आई वाज 2 आई वॉज नियरली न्यू. ठीक है, इसके बाद व्हाट हैपेंड व्हेन द स्पीकर बिकम 6, ही बिकम एज क्लेवर एंड क्लेवर, जब वो 6 ईयर्स का हो गया तो उस टाइम वो क्या था, वो समझता था कि मैं इतना क्लेवर हो चुका हूँ जितना कि मैं होना चाहता हूँ. डू यू थिंक द स्पीकर लाइक्स बींग 6, वो लाइक करता है, उसको ये पसंद है कि मैं 6 ईयर्स का ही रहूँ. क्यों, क्योंकि ही थिंक्स ही विल बी 6 फॉर एवर एंड एवर, क्योंकि वो चाहता है कि वो हमेशा के लिए 6 ईयर्स का रहे, तो इसलिए वो पसंद करता है कि वो 6 ईयर्स का ही रहे. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इसके क्वेश्चन आंसर्स, आपने ये क्वेश्चन आंसर्स कॉपी पर सॉल्व कर लेने हैं. क्वेश्चन नंबर 1 उसका आंसर नीचे लिखना है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 उसका आंसर लिखना है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 फिर इसका आंसर लिखना है, और 4 इसका आंसर लिख लेना है आपने. ठीक है, फिर डिस्कस द वर्ड्स इन द क्लास, ये आपने वर्ड्स जो हैं इनको सेंटेंसेस बनाने, जिस तरह नियरली है ना तकरीबन, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है आई वॉज नियरली न्यू, तो यहाँ पर हमारे पास जस्ट है, अभी अभी, हार्डली, मुश्किल से, मच, ज़्यादा, ये आपने खुद सेंटेंसेस बनाने हैं कल, और फिर कल मैं आपको करवा दूँगी इसके सेंटेंसेस, आपने खुद भी बनाने हैं ताकि आपको बनाने आ जाएं आप अच्छे तरीके से. आप करी बहुत अच्छे बच्चे हो ना सारे, तो आप खुद भी बना देते हो इनके सेंटेंसेस, तो आपने इसको ट्राई करना है. अगर नहीं बनेंगे तो कल मैं आपको बना के पिक सेंड कर दूँगी. ठीक है, कल इंशाल्लाह हम ये जो है सेंटेंसेस भी बनाएंगे और ये रिमिंग वर्ड्स भी करेंगे. ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़.